दर्शकों, इस समय हम ठीक श्री सुल्तानपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम ब्यामाथंग से आप तक ये रिपोर्टिंग पहुंचा रहा हूं। आज व्हीकल एज जो फ्रेंचाइजी भी है, जो डीलर भी है महिंद्रा और महिंद्रा के, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज की है एक रैली जो 26 जनवरी के मुनासिबत से। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ कुछ स्पॉन्सर्स भी यहाँ जुड़ेंगे और पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ेंगे, ड्राइवर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जितने भी गाड़ियाँ आप यहाँ देख रहे हैं सब 4x4 ही व्हीकल होंगे। और आज ये लोग 26 जनवरी के दिन कारगिल से हम मोतिंगला होके, जो तकरीबन 12,000 to 13,000 फीट अबव द सी लेवल होके, आर्यन वैली होके, फिर वापस ये लोग कारगिल पहुँचेंगे। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ेंगे जनाब जहीर बाग साहब, जो ऑनर भी है होटल द कारगिल के। जहीर साहब, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जहीर साहब। सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएंगे कि जो आज रैली 4x4 रैली जो आज आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं, क्या थीम है, क्या किस थीम को लेकर आप लोगों ने ये 2020 कारगिल विंटर एक्सपीडिशन, ये इसका फर्स्ट एडिशन है, ठीक है ना। तो इस साल हम इसको एक शुरुआत कर रहे हैं और एक छोटे लेवल से हमने एक एफर्ट किया है कि भाई 26 जनवरी के बैकड्रॉप में हम एक रैली ऑर्गेनाइज़ करें। और ये रैली एक इंटेंशन को लेके, भाई इस रैली को हम हर साल करते रहेंगे और इंशाल्लाह आने वाले सालों में बड़ा होता जाएगा। तो इसमें हम यहाँ से हम्बुतिंगला जाएंगे, वहाँ हम फ्लैग होस्ट करेंगे। हम्बुतिंगला कारगिल में ऑलमोस्ट 13,500 पर हाईएस्ट पॉइंट है जो बटालिक सेक्टर में है, वहाँ फ्लैग होस्ट करेंगे। उसके बाद ये रैली आर्यन वैली जाएगी, वहाँ हम नाइट स्टॉप करेंगे। कल हम पूरा संजा चिकतन वाला बेल्ट घूम के नमकीला होते हुए कारगिल वापस आएंगे और ये रैली वहाँ ख़त्म हो जाएगी। रैली तो आपने ऑर्गेनाइज की, जाहिर साहब इस रैली का मेन थीम क्या रहेगा सर? थीम यही है कि देखिए, इसके दो तीन बैकड्रॉप को हम लेके जाए, एक नेशनल इंटीग्रेशन है, एक टूरिज्म प्रमोशन है, और व्हीकल एज ने एक एफर्ट लिया है और उसके साथ अलग अलग स्पॉन्सर्स हैं जो हमने थोड़ा थोड़ा चिप इन करके एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है कि भाई इसको हम एक प्रॉपर थीम देखें। जिस तरह हम कारगिल मैराथन करते हैं, तो शायद आने वाले सालों में ये रैली अपने आप में जो है ना, कारगिल रिपब्लिक रैली या फर्स्ट कारगिल विंटर एक्सपीडिशन के नाम से, जिससे विंटर और आने वाले सालों में हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ विंटर स्पोर्ट्स से जुड़े और सारे एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट करें। जहीर साहब, थोड़ा ये भी ब्रीफ करेंगे हमारे व्यूवर्स को कि इसमें जो गाड़ियाँ कौन कौन सा यूज़ हो रहे हैं और जो ड्राइवर्स पार्टिसिपेंट्स जो है, ये फ्री एंट्री है कि आपने कुछ फीस वगैरह इसमें रखी है? देखिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए ये फ्री एंट्री है और इसमें क्योंकि ये व्हीकल एज जो महिंद्रा का कारगिल का जो महिंद्रा का यहाँ पे एजेंसी है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है इसमें महिंद्रा और मारुति जिप्सी, क्योंकि हम इस साल कम से कम कोशिश करेंगे हम सिर्फ 4x4 व्हील ड्राइव से ही हम जाएं, क्योंकि हम्बुतिंगला में बर्फ़ भी काफ़ी है, स्किटी भी है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के कि भाई ये रैली सक्सेसफुल हो और ये एक बेंचमार्क बने आने वाले सालों के लिए कि इस इवेंट को हम ईयरली इवेंट करता है, जो अपने हमें कारगिल के जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ में एक एडिशन के तरीके से हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा सर जहीर साहब, ऑन द ईव ऑफ 26 जनवरी 26 जैन को लेके कारगिल के अवाम को और बिलखसूस लद्दाख के अवाम को, आपके इस रैली को लेके क्या मैसेज रहेगी? मैसेज यही है, देखिए कि ये एक पीस का मैसेज है, एक इंटीग्रेशन का मैसेज है, और हम सब लोगों को, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, कोई चीज़ जिसमें नेशन बिल्डिंग होता है उसमें हमें इंटेग्रेट होके हम एक मैसेज लेके चलना चाह रहे हैं और इसका सिंपल सा उद्देश्य यही है। थैंक यू।
इस समय हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ेंगे जो इस रैली को लेके। हमारे साथ मोहम्मद हुसैन साहब है, फैज साहब है, परवेज साहब है। परवेज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। परवेज साहब, जो रैली आज आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप किस गाड़ी से जाओगे और थोड़ा बहुत आज की रैली करेंगे? जी जी, मेरा तो मेनली जिप्सी है, तो हम इस साल सिर्फ 404 गाड़ी से ला रहे हैं और एक ट्रायल बेसिस पे ही है। तो मेन चीज़ तो इसका वही मकसद है कि हम 26 जनवरी मना रहे हैं 13,000 ऑलमोस्ट 700 फीट पे, जो कि हम वो तिंगला पास है। जी जी जी। आप कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हो? और जी, मैं जिप्सी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि रोड बहुत स्लिपरी और बर्फ़ भी है, इसलिए हम जिप्सी यूज़ कर रहे हैं। 4x4 गाड़ियाँ ही इस्तेमाल हम ले रहे हैं। ये पहला विंटर एक्सपीडिशन है, फर्स्ट टाइम आई पार्टिसिपेट। जी 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 जी, हम फर्स्ट टाइम, और ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है सर। जी जी जी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बड़े इवेंट हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। जी, मेरे पास 4x4 जिप्सी है, तो ये हिस्टोरिकली एक इवेंट है, जो पहली बार है ये इवेंट, तो इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस साल इतना हो नहीं पा रहा, लेकिन जितना हो सकता है हमने कर दिया है अपने हिसाब से, क्योंकि हमको पहले हम बतला चढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे स्लिपरी जगह है, तो इस वजह से हम वहाँ पे वो सारा काम ख़त्म करके वहाँ से आगे हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं। इस साल तो फिलहाल पहले भी आपने रोली ऑर्गेनाइज़ की या फर्स्ट टाइम आप? नहीं नहीं, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है, तो इस वजह से इसका ये ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि इससे काफ़ी विंटर में फिर टूरिज्म का इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो पोटेंशियल है, इस वजह से हम ये सारा कर रहे हैं। जी थैंक यू। सबसे पहले मैं यौम जमहूरिया के मौके पे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि आज पहली बार कारगिल की हिस्ट्री में हमने हमतिंगला जो 14,000 फीट है वहां पे हम एक पूरे रैली के शेप में, कारगिल की हिस्ट्री में पहली बार हमने एक विंटर ऑटो एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज़ किया है, और यहाँ आके हमने राष्ट्रीय ध्वज फैलाया है, और अपने आप में बहुत गर्व फील होता है कि इस हाइट पर आके -25 में आके हम एक नेशनल इंटीग्रेशन का ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम इस समय हमें यकजहती की ज़रूरत है, हमें लोगों की ज़रूरत है, और साथ साथ हम पूरे कारगिल को एक विंटर टूरिज्म के हब की तरह हम प्रमोट कर रहे हैं, और इसके साथ नेक्स्ट ईयर शायद होपफुली हम इसके साथ काफ़ी और एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। और ये दो दिन की रैली है जो हमने कारगिल के से स्टार्ट की है, अभी हम हमदिंगला में हैं, इसके बाद हम आर्यन वैली जाके नाइट स्टॉप करेंगे, और कल फिर उसके बाद पूरा दर्शी गरकोन से होते हुए हम चिकतन वैली और फिर नमीकिला क्रॉस करते हुए हम वापस कारगिल में सेट ज्वाइन करने वाले। रिपब्लिक डे का मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं पूरे देशवासियों को, साथ में आज हम ये फख्र से कहेंगे कि इस टाइम पे मैं और मेरे साथी जो जिन्होंने इस रैली में हिस्सा लिया -30 डिग्री में 14,000 फीट ऊपर जो है आके तिरंगा ऊंचा कर रहे हैं, देश का परचम लहरा रहे हैं,
हमारा मेन मकसद एक चीज़ और है इसमें, रिपब्लिक डे के दिन इसको शुरुआत करना ताकि देशवासियों को पूरी तरीके से हम अपनी तरफ से और कारगिल वासियों की तरफ से पूरे लद्दाख की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। दूसरी बात, यह इवेंट ऑर्गेनाइज जो है महिंद्रा व्हीकल एज कारगिल ने किया है, जिसमें हमें सपोर्ट की है, हमें स्पॉन्सर की है होटल द कारगिल का, होटल द कारगिल, होटल रॉयल गाशो, होटल जोजिला रेजिडेंसी और मेक पाई इंटरप्राइजेस। हमारे ट्रेवल पार्टनर रहे हैं पोमार्क ट्रेवल्स न्यू दिल्ली। और इसका एक मेन मकसद यह है कि हम विंटर में टूरिज्म को जो है, एडवेंचरस टूरिज्म, स्नो टूरिज्म, विंटर टूरिज्म को जो है इस एरिया में, ये फारफ्लंग एरिया है जो एक्सप्लोर की ज़रूरत है, और इसको एक्सप्लोर करने के लिए कर रहे हैं। होपफुली सबों को ये पसंद आएगी। तो पूरे देशवासियों को फिर से एक बार हम जो है मुबारकबाद देते हैं। इस टाइम पे हम -35 फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हैं और देश का परचम जो है लहरा रहे हैं। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.